और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पर दिग्विजय सिंह ने उठाए सवाल। पीएम ने सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रमाण नहीं दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है सर्जिकल स्ट्राइक का कोई सबूत नहीं है और पुलवामा हमले पर कोई बयान नहीं दिया गया है। 40 जवान पुलवामा में शहीद हो गए थे लेकिन उस पर कोई बयान नहीं आया है। भारत जोड़ो यात्रा में दिग्विजय सिंह ने खिताब किया और पीएम मोदी पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है दिग्विजय सिंह ने, और कहा है कि बीजेपी की पॉलिसी है झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, जिससे सिर्फ हिंदू मुसलमान की लड़ाई होती रहे। अगर वजीर आजम को पाकिस्तान से इतनी नाराजगी है तो बिना बुलाए नवाज शरीफ के घर पर शादी प्रोग्राम में क्यों पहुंच जाते हैं, और पुलवामा हमले की जानकारी पीएम ने मुल्क के सामने और पार्लियामेंट के सामने नहीं रखी। कई सारी बातें दिग्विजय सिंह ने कही है।